गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल दिस इज डेली न्यूज़ पेपर वीडियो आज है फोर्टीनथ अक्टूबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़ पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं सो लेट्स बिगिन विद इट सबसे पहले आज के द हिंदू न्यूज़ पेपर की मेजर हेडलाइंस देख लेते हैं दीज आर द मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम टूडेज पेपर जिन्हें हम आज की इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे हमारा आज का पहला टॉपिक इसराइल हमास वॉर से रिलेटेड है तो पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि हमारे न्यूज़पेपर्स में इसराइल हमास वॉर से जुड़े हुए अपडेट्स एडिटोरियल्स लगातार आ रहे हैं और आज हमारे पास इस वॉर से जुड़ा हुआ एक मेजर अपडेट है कि इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप में स्पेशली नॉर्थ गाज़ा में रहने वाले फेलस्तनीस को 24 फोर आवर्स की डेडलाइन दी है जिसमें कि उन्हें कहा गया है कि वो नॉर्थ गाज़ा को इवैक्यूएट कर दें और वहां से निकल के साउथ की तरफ चले जाएं। नॉर्थ गाज़ा काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है यहाँ पर तकरीबन वन मिलियन पॉपुलेशन रहती है और इतने बड़े नंबर में सडनली अगर सब रिलोकेट करेंगे तो इससे एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो सकता है जिसे लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी इसराइल को वॉर्न किया है कि इसके डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं हालांकि हमास ने जो कि पेलस्तिन मिलिटेंट ग्रुप है उसने फेलस्तीस को कहा है कि वो नॉर्थ गाज़ा में रहें रिलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है ये इसराइल का एक साइकोलॉजिकल वॉर है सो so, इस अपडेट को हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे और साथ ही में वेस्ट एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ में पेलस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए हैं ये एक बड़ी डेवलपमेंट वेस्ट एशिया से आई है इसे भी फॉलो करेंगे और साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था जिसका एम था इसराइल में फंसे हुए इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया वापस आना चाहते हैं उन्हें वहाँ से इवैकुएट किया जाए और इसकी फर्स्ट फ्लाइट इंडिया आ चुकी है जिससे कि कुछ 212 इंडियन सिटीजन्स वापस इंडिया आ गए हैं मूविंग अहेड हमारा अगला आर्टिकल पाम ऑयल इंपोर्ट से रिलेटेड है तो एक नया ट्रेंड हमारे पास सामने आया है विच इज़ शोइंग कि इंडिया में पाम ऑयल का इंपोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है तकरीबन 29 परसेंट राइज हमें पाम ऑयल के इंपोर्ट्स में देखने के लिए मिला है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया के डोमेस्टिक ऑयल रिफाइनरीज पे डेफिनेटली होगा तो इस इशू को भी हम थोड़ा और डिटेल में अनफोल्ड करेंगे मूविंग अहेड हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में सेमी कंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं देखिए इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया की डोमेस्टिक सेमी कंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इट्स अ की प्रायोरिटी फॉर इंडिया स्पेशली चाइना में वो कंपनीज़ जो कि चाइना से बाहर आना चाहती हैं डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं उनके लिए इंडिया एक आइडियल लोकेशन बने फॉर दैट इंडिया में डोमेस्टिकली हमें सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को एनहैंस करना होगा तो इसे लेकर इंडिया एक रोड मैप तैयार कर रहा था जिसकी पहली रिपोर्ट आई है विच सेज कि इस एरिया में हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बिल्डअप करके इंडिया में सेमी कंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा इसके अलावा इंडिया में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के यूज को बूस्ट करने के लिए एक ई कॉमर्स साइट बनाई जा रही है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हैं जिनकी फाइव स्टार रेटिंग है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सेल को बूस्ट करने के लिए उन्हें इस ई कॉमर्स साइट पे शो किया जाएगा मूविंग अहेड हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्टेमिक थेरेपी एक मेजर इंटरवेंशन के तौर पे आई है और इसे पूरी ग्लोबल अटेंशन भी मिल रही है इसी दौरान इंडिया में इम्यूनो एक्ट सेल थेरेपी जो कि ब्लड कैंसर का इलाज कर सकती है उसे हमारे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है ये एक बड़ी डेवलपमेंट कैंसर ट्रीटमेंट के प्रस्पेक्टिव में आई है तो हम इस वीडियो में जानेंगे क्या है ये सिस्टेमिक सेल थेरेपी व्हाट इज टी सेल थेरेपी एंड हाउ दिस कैन क्योर द कैंसर्स सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट आर्टिकल जो कि इसराइल पैलेस्टीन वॉर से रिलेटेड है तो जैसे कि हमने पहले ब्रीफली बात की इसराइल ने नॉर्थ गाज़ा में रहने वाले फेलस्तीनियंस को 24 फोर आवर्स की डेडलाइन दी है ताकि वो इस एरिया को इवैकुएट कर दें और वो जल्दी से जल्दी साउथ गाज़ा स्ट्रिप की तरफ मूव कर जाएं और ये जो नॉर्थ गाज़ा का जो एरिया है जहाँ पे गाज़ा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट शहर यहाँ पे है दिस इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ओवर वन मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे है जो कि इतने कम समय में यहाँ से रीलोकेट करने वाली है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसराइल इस एरिया में पूरी ग्राउंड इन्वेजन करें अगेंस्ट हमास मिलिटेंट ग्रुप व्हिच इज मोर प्रोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया और इतने बड़े नंबर में जब यहाँ से फ्लीइंग होगी लोग यहाँ से मूव करेंगे तो इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी वार्निंग दी है दैट इट कैन हैव सम समीवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हालांकि इसराइल की इस वार्निंग के बावजूद हमास ने नॉर्थ गाज़ा में रहने वाले पेलस्तिनस को रीलोकेट करने से मना किया है हमास ने यह कहा है कि आप अपने घरों में ही रहें ये इसराइल का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इसी के साथ साथ वेस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में पेलस्तंस की सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए गए बगदाद में एंटी इज़राइल डेमोस्ट्रेशन किया गया जिसमें नो टू दी ऑक्यूपेशन एंड नो टू अमेरिका के नारे लगाए गए ईरान की कैपिटल तेहरान में डेमोस्ट्रेटर्स ने ईरान पेलस्तीन और लेबनीज हिजबोला के फ्लैग्स को डेमॉन्स्ट्रेट किया साथ ही में जॉर्डन जिसका इसराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइंड है जॉर्डन इसराइल का नेबरिंग कंट्री है जॉर्डन में भी आ, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए जिसमें फेलस्तीन को सपोर्ट किया गया साथ ही में बहरीन में भी एंटी इज़राइल प्रोटेस्ट हुए लेबनन में जो कि हेजबोला के सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी फेलस्तीन की सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया सो so, इसराइल हमास वॉर का इफेक्ट हमें वेस्ट एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ में देखने के लिए मिल रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वेस्ट एशिया से आई है देन ऑपरेशन अजय जो कि इंडिया का इवैक्यूएशन मिशन है जिसका एम है कि इसराइल में जो इंडियन हैं, जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, उनको इवैक्यूएट करके सेफली इंडिया वापस लाया जाए इसराइल में इस वक्त अराउंड एटीन थाउजेंड इंडियन सिटीजन प्रेजेंट हैं। तो ऐसे इंडियन सिटीजन जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है दैट दे वॉन्ट टू कम बैक टू इंडिया उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जिसकी फर्स्ट फ्लाइट इंडिया में आ चुकी है जिससे कि 212 इंडियन सिटीजन्स को इसराइल से, से सेफली इंडिया वापस लाया गया है मूविंग अहेड आर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेल्थ एंड साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रिलेटेड टू टी सेल थेरेपी यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट सो so, इंडिया में आईआईटी बॉम्बे बेस्ड इम्यूनो अडॉप्टिव सेल थेरेपी जिसे शॉर्ट में कहा जा रहा है इम्यूनो एक्ट सेल थेरेपी को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दे दी है सो इट इज़ दी फर्स्ट ह्यूमनाइज सी डी नाइनटीन टारगेटेड कार टी सेल थेरेपी जिसको हम लिम्फोम ल्यूकीमियाज जो कि ब्लड कैंसर हैं इसे इंडिया में यूज़ कर सकते हैं ये वर्ल्ड मैप में जो एडवांस सेल और जीन थेरेपीज चल रही हैं उसमें एक बड़ा स्टेप एक बड़ा लैंडमार्क है सो वॉट इज दिस इम्यूनो एक्ट सेल थेरेपी या फिर जिसे हम का टी सेल थेरेपी भी कह सकते हैं नाउ इस पूरी थेरेपी का फंडामेंटल क्या है का टी सेल थेरेपी में जो टी सेल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है उनको एक्टिवेट किया जाता है और ये टी सेल्स जाकर बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें यू नो उनसे लड़ते हैं तो बेसिकली जैसे कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में एक पर्सन को ड्रग्स लेने होते हैं दवाइयाँ लेनी होती हैं कार टी सेल थेरेपी में पेशेंट के खुद के टी सेल्स को यूज़ करके उन्हें मॉडिफाई करके उनकी बॉडी में डाला जाता है जो कि ट्यूमर सेल्स के ऊपर को टारगेट करता है सो टी सेल्स को सबसे पहले इस प्रोसीजर को समझें सबसे पहले पेशेंट का ब्लड लिया जाता है उस ब्लड में से टी सेल्स को रिमूव किया जाता है टी सेल्स को आइसोलेट किया जाता है और एक स्पेशल जीन जो कि पेशेंट के कैंसर सेल्स पे जाकर बाइंड करता है उस स्पेशल जीन को टी सेल्स में ऐड किया जाता है और ये जो स्पेशल जीन ये जो स्पेशल रिसेप्टर है इसे कहा जाता है कार कार का फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और एक बार जब इस जीन को ऐड कर दिया गया टी सेल्स में और इस मॉडिफाइड टी सेल को फिर मिलियंस में ग्रो किया जाता है और फिर पेशेंट की बॉडी में ऐसे टी सेल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें ये कार टी सेल्स हों और ये कार टी सेल्स जाते ही कैंसर सेल के ऊपर जाकर अपने आप को अटैच कर लेते हैं एंड दे किल द कैंसर सेल ये पूरी जो थेरेपी है इसे कहा जाता है कार टी सेल थेरेपी और इसे इंडिया में आईआईटी बॉम्बे ने इम्यूनो अडोप्टिव सेल थेरेपी के नाम से इम्यूनो एक्ट के नाम से अब इसे ड्रग यू you नो know, इसे अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम सी डी एस सी ओ विच इज अ लैंडमार्क वेन इट कम्स टू सेल थेरेपीज सिस्टेमिक थेरेपीज इन इंडिया मूविंग ए हैंड हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पाम ऑयल और इसके इम्पोर्ट से रिलेटेड है सबसे पहले पाम ऑयल को समझते हैं ये बेसिकली एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है और इस ऑयल को डिराइव किया जाता है तो द फ्रूट ऑफ ऑयल पाम ये ऑयल पाम्स के ऊपर लगने वाला फ्रूट है ये जो आप इस पिक्चर में रेडिश ब्लैक कलर का फ्रूट देख रहे हैं और इस फ्रूट के पल्प से इस वेजिटेबल ऑयल को डिराइव किया जाता है जो कि हम एज अ कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं मेनली इसके साथ साथ इसे कॉस्मेटिक्स में जो प्रोसेस फूड्स होते हैं केक बनाने के लिए चॉकलेट्स में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है लेकिन मेन यूजेज जो इसकी रहती है दैट इज़ इन कुकिंग ऑयल। इसी के साथ साथ जो क्रूड पाम ऑयल होता है उसे बायोडीजल बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली ग्रीन डीजल जिसे बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन में भी क्रूड पाम ऑयल को यूज़ किया जा सकता है अब इसकी प्रोडक्शन मेनली कहाँ होती है दो कंट्रीज़ हैं जो कि 90% परसेंट ग्लोबल पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और ये दो कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया एंड मलेशिया ये दो कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड 90 परसेंट पाम ऑयल प्रोडक्शन इन दोनों कंट्रीज से होती है और इंडोनेशिया इज प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पाम ऑयल नाउ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल 40 परसेंट हमारे जो वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन है वो हम पाम ऑयल इंपोर्ट करके पूरी करते हैं हाफ ऑफ आर एनुअल नीड इज़ मेट बाय इंपोर्टिंग द पाम ऑयल तो हम देख सकते हैं कितने बड़े अमाउंट में हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं हमारे इंपोर्ट्स को कम करने के लिए और इंडिया में पाम ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम लॉन्च किया जिसका सिंपल एम यही था कि इंडिया में डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए देखिए इंडिया में मेनली हम पाम ऑयल को एज़ वेजिटेबल कुकिंग ऑयल के तौर पे यूज़ करते हैं तो इंडिया में ही अगर पाम ऑयल प्रोडक्शन हो यही एक अपने आप में बड़ी एडवांटेज है सो so, इसके लिए इंडियन फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए जिस एरिया में अगर वो पाम ऑयल प्रोडक्शन लगाते करते हैं तो इसके लिए उनको अलग अलग इंसेंटिव्स मिलने चाहिए सो दैट इंडिया में पाम ऑयल की कल्टीवेशन जो है वो एनहेंस हो सके इस मिशन के चलते हुए भी अब इंडिया के लिए एक वरीसम सिचुएशन ये है कि हमारी पाम ऑयल इम्पोर्ट्स 29.2 परसेंट तक जंप कर चुके हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक रिफाइनर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट है मूविंग अहेड हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल इंडिया में सेमी कंडक्टर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने से रिलेटेड है देखिए इंडिया इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है हमें हमारी सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करना क्योंकि आजकल जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशन्स बन रहे हैं उन सब में सेमी कंडक्टर्स एक फ़ाउंडेशन के तौर पे काम कर रहा है और ताकि हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाए सेमी कंडक्टर जो हम इम्पोर्ट करते हैं ये बंद हो जाएं और डोमेस्टिक सेमी कंडक्टर्स की इंडस्ट्री बिल्ड हो वी वॉन्ट टू टेक राइट स्टेप्स इन द सेम डायरेक्शन और हमने ये भी देखा लास्ट ईयर जब यूक्रेन रशिया यू नो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उस टाइम पे सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई थी राइट right? एंड हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को ओवरकम कर दें जब इंडिया में ही सेमीकंडक्टर्स बनेंगे तो हमें ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेंगे और साथ ही में जो ऐसा कंट्री जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो वो जियोपॉलिटिकली भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसे लेकर इंडिया ने बहुत अलग अलग स्टेप्स भी लिए हैं हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है हम सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज़ को इन्हांस कर रहे हैं बूस्ट कर रहे हैं उन्हें फिजिकल सपोर्ट दे रहे हैं यू नो पी एल आई इंसेंटिव्स सेमी की डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए दिए जाते हैं तो अलग अलग प्रोग्राम्स भी इंडियन गवर्नमेंट चलाता है ताकि सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बूस्ट हो हो सके सेम आइडिया में इंडियन गवर्नमेंट एक रोड मैप बनाना चाहती है फॉर इट्स विजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमी कंडक्टर्स इन इंडिया जिसके लिए सिक्स वर्किंग ग्रुप्स को ये काम दिया गया था कि आप इस रोड मैप को तैयार करें और इन्होंने अपनी रिपोर्ट की पहली एडिशन लॉन्च की है जिसमें इन्होंने बूस्ट किया है कि अगर इंडिया में हमें सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो हमें पीपीपी मॉडल पे काम करना होगा विच इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साथ ही में जो ग्राफिक्स के जो हमारे पास प्रोसेसर्स होते हैं इन्हें भी हमें बिल्ड करना होगा जीपीयू क्लस्टर्स हमें बनाने होंगे एंड क्योंकि ये जो ग्राफिक प्रोसेसर्स होते हैं इनमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं उनमें काफ़ी यूज़ किया जाता है सो दे वी नीड टू फोकस ऑन दिस एज़ वेल और हमारा ये जो इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है इसका यूज़ अलग अलग सेक्टर्स में हम देख सकते हैं चाहे एग्रीकल्चर हो हेल्थ केयर एजुकेशन फिनटेक, सिक्योरिटी गवर्नेंस इन सभी सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं साथ ही में इस रिपोर्ट में फिजिकल इंटरवेंशन की भी बात की गई है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट मिले तो उसके लिए उन्हें फिजिकल इंटरवेंशन फिजिकल सपोर्ट भी मिलनी चाहिए नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी एफिशेंसी सर्विसेस लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है विद अ पीएसयू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर सेटअप किया गया है जिसमें ताकि इंडिया के अंदर एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसिस को हम ज़्यादा अडॉप्ट करें इसके लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ई कॉमर्स साइट बनाई जा रही है सो so दैट एक डिमांड क्रिएट हो सके उन अप्लायंसेस के लिए जो कि फ़ाइव स्टार या उससे ज़्यादा की रेटिंग रखते हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट है देखिए प्राइस डिफरेंस आ जाता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस जो कि एफिशिएंट हैं फाइव स्टार रेटिंग है उससे ज़्यादा की रेटिंग है ये महंगे होते हैं तो इसीलिए जनरल नरेटिव क्या रहता है कि कम स्टार वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस यू नो हम बाय कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ है कि अगर हम एनर्जी एफिशियंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेते हैं तो जितना एडिशनल प्राइस हम एनर्जी एफिशिएंसी के लिए पे कर रहे हैं वो दो से तीन साल के अंदर बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड जिसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लो एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसकी डिमांड को क्रिएट करने के लिए ये एक ई कॉमर्स साइट बनाई जा रही है सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन थैंक यू